दरोगा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामले पर सीपी लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वतखोर दरोगा को तत्काल बर्खास्त करने के आदेश दिए गए। अन्य पुलिस कर्मियों की भी जांच के आदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। आज डीसीपी ग्रेटर नोएडा जांच रिपोर्ट देंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीपी लक्ष्मी सिंह की तरफ से कहा गया है रिटायर्ड नेवी के अधिकारी से रिश्वत ली थी, तो ग्रेटर नोएडा में 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दरोगा पकड़ा गया है और मामले में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। लक्ष्मी सिंह ने रिश्वतखोर एसआई को तत्काल बर्खास्त करने के आदेश दिए और इसके साथ ही मामले में लिप्त अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए। वहीं इस मामले में डीसीपी आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे और बता दें कि दरोगा ने रिटायर्ड नेवी अधिकारी से रिश्वत ली थी। थाना इकोटेक फर्स्ट में मुकदमा अपराध संख्या 22/19 की विवेचना एसआई गुलाब सिंह द्वारा करी जा रही थी। उक्त विवेचना के संदर्भ में आज एंटी करप्शन ब्यूरो यूनिट मेरठ ने उक्त एसआई को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इस संदर्भ में थाना सूरजपुर पर एफआईआर लिखाया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ में एसआई गुलाब सिंह के विरुद्ध भी बर्खास्त की कार्रवाई करी जा रही है।